और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, चैंपियंस ट्रॉफी में बेहद बुरी हार का सामना करना पड़ा है यहां पर टीम इंडिया को। 180 रनों से पाकिस्तान की टीम ने टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में हरा दिया है। इतनी बुरी हार की उम्मीद तो आज किसी ने भी नहीं की थी। आपको बता दें 158 पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। हमारी टॉप के खिलाड़ी तो तू चल मैं आया की तर्ज पर एक के बाद एक आउट होते हुए चले गए और इस तरह से सबसे बुरी हार का सामना चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को करना पड़ा है पाकिस्तान के हाथों। भारत की बेहद शर्मनाक हार, इस तरह की हार जिसकी उम्मीद आज कतई नहीं की जा रही थी। ये वो टीम थी जिसने 124 रनों से लीग मुकाबले में हराया था, लेकिन आज ताश के पत्तों की तरह हमारी बल्लेबाजी बिखरती हुई चली गई और गेंदबाजों का तो उससे भी बुरा हाल था। शायद यही वजह रहा कि टीम इंडिया ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया और उसके बाद टीम इंडिया उस बड़े स्कोर को जो पाकिस्तान की टीम ने खड़ा किया था उसको पार नहीं कर पाई। पाकिस्तान के हाथों भारत की यह शर्मनाक हार, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। डिफेंडिंग चैंपियन थी टीम इंडिया लेकिन वो अपनी ट्रॉफी को बचा नहीं पाई और इस तरह से भारत 180 और ये देखिए 30 ओवर पूरे, 50 ओवर भी भारत आज नहीं खेल पाया है। हार्दिक ने सबसे ज्यादा 76 रन बनाए, युवराज सिंह ने 22 रन, शिखर धवन ने 21 रन और बेहद बेहद खराब प्रदर्शन रोहित शर्मा का, विराट कोहली का। ये हमारे वो बल्लेबाज रहे जिनसे आज बहुत अच्छी उम्मीद की जा रही थी। वहीं बल्लेबाजी देखिए पाकिस्तान की टीम की, 50 ओवर में फखर जमान ने 114 रन बनाए, अजहर अली ने 59 रन बनाए, मोहम्मद हफीज ने 57 रन बनाए, जबकि गेंदबाजों का प्रदर्शन भारतीय टीम का, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर, केदार जाधव, किसी का भी नाम लीजिए, सबका प्रदर्शन लगभग एक जैसा ही, यानी कि ना हमारी गेंद बाजी चली ना हमारी बल्लेबाजी चली और यही कारण नहीं कि 180 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। और ये है भारत के हार के मुजरिम जिनके चेहरे इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रोहित शर्मा तुरंत आए और तुरंत चले गए, शिखर धवन 21 रन बनाकर आउट हुए, विराट कोहली 5 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए, युवराज सिंह ने कोशिश जरूर की हालांकि 22 रन बनाने के बाद युवराज भी आउट हो गए, महेंद्र सिंह धोनी से बहुत उम्मीद थी लेकिन धोनी 4 रन बना के आउट हो गए और केदार जाधव 9 रन बनाने के बाद, ये तो बैट्समैन रहे लेकिन ये हम आपको दिखा रहे हैं वो मुजरिम जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को मौका दिया रनों का पहाड़ खड़ा करने के लिए। बुमराह ने 68 रन दिए हैं, 68 रन बुमराह ने दिए, 70 रन आर अश्विन ने दिए, जाडेजा ने 67 रन दिए, यानी कि यहां पर भी कंपटीशन चल रहा था गेंदबाजों में कि कौन पाकिस्तान की बल्लेबाजी को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, कम से कम आंकड़े तो यही बताते हैं। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं टीम इंडिया की मैच हारने की वजह, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला गलत साबित हुआ है यहां पर टीम इंडिया का। जसप्रीत बुमराह की नो बॉल पर शतक लगाने वाले फखर जमा को मिला जीवनदान और इस तरह से नो बॉल हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा महंगी साबित हुई। भारतीय गेंदबाजों ने 338 रन लुटा दिए 54 के स्कोर पर, टॉप के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।